नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। क्रिकेट में धोनी एक ऐसा नाम है जिनके नाम न जाने कितने रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन आईपीएल के 13वें सीजन में धोनी के नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में मैदान पर उतरते ही धोनी आईपीएल के इतिहास में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इस खास उपलब्धि के लिए धोनी को हर तरफ से बधाई मिल रही है। अब धोनी के नाम ये खास उपलब्धि जुड़े और उनके खास दोस्तों में से एक रैना कुछ ना कहे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो रैना ने अपने दोस्त धोनी के लिए इस खास अवसर पर एक खास ट्वीट किया। आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी एमएस धोनी भाई, आपको शुभकामनाएं, आपकी सफलता की कामना करते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आपको आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों के बारे में बताएं तो सबसे ज्यादा मैच के साथ धोनी सबसे ऊपर है। धोनी ने आईपीएल में अभी तक 200 मैच खेले हैं, तो वहीं धोनी के बाद दूसरे नंबर पर मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा हैं। रोहित ने आईपीएल में अभी तक 197 मैच खेले हैं, तो वहीं तीसरे नंबर पर खुद रैना मौजूद हैं। रैना ने आईपीएल में 193 मैच खेले हैं। वैसे अगर रैना इस बार के आईपीएल में खेलते तो ये रिकॉर्ड आज धोनी नहीं रैना के नाम होता, क्योंकि इस आईपीएल में धोनी की टीम चेन्नई 10 मैच खेल चुकी है। ऐसे में अगर रैना टीम में होते तो वो भी 10 मैच खेलते, और रैना अगर 10 मैच खेलते तो वो आज आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी होते। खैर दोस्तों, ये सब आंकड़े का खेल है और आंकड़े आज धोनी के पक्ष में है, तो जाहिर तौर पर इसका श्रेय धोनी को जरूर मिलना चाहिए। लेकिन ये आईपीएल धोनी और उनकी टीम दोनों के लिए बेहद खराब रहा है। न धोनी मैदान पर कुछ खास कमाल दिखा पा रहे हैं और ना ही उनकी टीम कोई कमाल दिखा रही है। न बल्लेबाजों में जान दिख रही है और ना ही गेंदबाजों की धार का पता है। जो धोनी मैदान पर सबसे फुर्तीले दिखते थे, सबसे बेहतर फिनिशर थे, अगर वो भी मैदान पर रन बनाते वक्त हांफने लगे तो क्या कहें। वैसे दोस्तों, चेन्नई की टीम बेशक इस आईपीएल में बेरंग नजर आ रही है, लेकिन एक वक्त था जब चेन्नई को आईपीएल की सबसे मजबूत टीम माना जाता था और धोनी को सबसे चालाक कप्तान। लेकिन पता नहीं कहां गया धोनी का वो रंग, पता नहीं कहां गई कप्तानी की वो धार। बुरे आ गए दिन, मिल रही है हार पर हार। तो दोस्तों, आपका धोनी को लेकर, उनकी टीम चेन्नई को लेकर क्या कहना है? साथ ही आप हमें ये भी बताइए, अगर रैना टीम में होते तो क्या चेन्नई का प्रदर्शन बेहतर होता? आपका जो भी कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।